कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार बेहद सख्त एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इससे पहले भारत की ओर से कनाडा न जाने और वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए विशेष एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है। अब भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। भारत कनाडा के बीच जारी तनाव के बीच सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। कनाडा में एक ऑनलाइन वीजा आवेदन केंद्र BLS इंटरनेशनल ने अपनी वेबसाइट पर इस संबंध में नोटिस जारी किया है। कनाडा में रहने वाले और देश विरोधी गतिविधियों का विरोध करने वाले भारतीय खालिस्तानियों के निशाने पर हैं। इसे लेकर भारत ने अपने नागरिकों को विशेष रूप से सावधान रहने को कहा है। बता दें कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में कनाडा द्वारा भारत सरकार का हाथ होने का निराधार आरोप लगाए जाने के बाद दोनों देशों के संबंध बिगड़ चुके हैं। इतना ही नहीं, जस्टिन ट्रूडो ने भारत की छवि बिगाड़ने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई अन्य देशों से भी समर्थन जुटाने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें ट्रूडो को कामयाबी नहीं मिल सकी। इसके बाद से अब भारत कनाडा विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत पर आरोप लगाए जाने के साथ ही एक शीर्ष भारतीय राजनयिक को देश से निकाल दिया गया था। इसके बाद भारत ने भी कनाडा को उसी के लहजे में जवाब देते हुए उसके भी शीर्ष राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दे दिया था। तब से दोनों देशों के संबंध बेहद नाजुक होते गए। अब भारत ने कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा को निलंबित कर दिया है। पिछले 3 दिनों में ये तीसरी बार है जब भारत ने कनाडा पर सख्त एक्शन लिया है। अभी भारत की ओर से कई और सख्त एक्शन लिए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। NIA ने कनाडा में रहने वाले कई आतंकियों की सूची भी जारी की है ताकि भारत के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के बावजूद उन्हें समर्थन देने वाले कनाडा की पोल पूरी दुनिया के सामने खोली जा सके और ट्रूडो को दुनिया के सामने अलग थलग किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क।